पैसों का गुरूर घमंड धौंस समझते ही होंगे आप। पैसों में कितनी ताकत होती है यह भी समझते होंगे आप। पैसों की सुगंध कुछ इस तरह की होती है, जिसने कमाया उससे कई गुना ज्यादा घमंड उसकी आने वाली पीढ़ियों पर सर चढ़कर बोलती है। नमस्ते, मेरा नाम विकास कुमार है और आप सिल्क टीवी देख रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही ये दो लड़की कुछ इस तरह पैसों की घमंड में चूर है कि सड़क पर इन्होंने एक घर की चिराग को, एक उम्मीद को अपनी चमचमाती कार से सरेआम रौंद दिया। दरअसल राजस्थान के सभी जिलों में पुलिस कांस्टेबल की खुली भर्ती चल रही है। भर्ती में हजारों की संख्या में राजस्थान के कई गांव से युवा अपने घरों से इस उम्मीद और सपने के साथ निकले हैं कि परिवार की उम्मीद और अपना सपना पूरा कर सके। उन्हीं युवाओं में से एक पाली परिवार का एकलौता चिराग घर से अपना और अपने परिवार के सपने पूरा करने कांस्टेबल की नौकरी के लिए जयपुर आया था, लेकिन उसे और उसके परिवार को क्या पता था कि शहर में पैसे बटोरने वाले अपनी औलादों को दूसरे के सपने रौंदने का लाइसेंस दे रखा है। तस्वीर में दिख रही ये दो लड़कियों और रसूखदारों की बेटियों का गुना सिर्फ इतना ही नहीं है कि इन्होंने एक सड़क किनारे चलते युवा को अपनी चमचमाती कार से रौंद दिया, बल्कि इनको अपने रसूख पर इतना भरोसा था कि इनके चेहरे पर कोई शिकस्त, कोई गम तक नहीं दिखा। ऑडी कार की रफ्तार जो सरपट सड़क पर चलते हुए पैसों की सनक को कुछ इस तरह के पंख दे रही थी कि मानो रसूखदारों को छोड़कर बाकी सब सिर्फ ऑडी के टायरों की धूल है। अब सुनिए दर्दनाक घटना की दास्तां। गाड़ी की टक्कर इतनी खतरनाक थी कि चपेट में आया युवक जयपुर के एक फ्लाई ओवर से कई फीट उछलकर एक घर की छत पर जा गिरा। उसके बाद आनन-फानन में पहुंचने वाली पुलिस भी पहुंची और रसूख देखकर फोन लगाती दोनों लड़कियों को सहसम्मान थाने ले गई, क्योंकि लड़कियों का रिश्ता नामी ग्रामी सोनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड से जो निकल गया। प्रशासन की नाकामी कुछ इस कदर थी कि थाने पहुंचने पर भी कोई एफआईआर तक नहीं हुई। रसूख के आगे झुके पुलिस या प्रशासन से जब जानकारी मांगी गई तो थाने का नज़ारा कुछ इस तरह का था कि दोनों लड़की थाने को बगीचा समझकर बिना चेहरे पर रत्ती भर भी तनाव लिए फोन लगाती और बगीचे में टहलती नजर आ रही थी। कुछ देर में पुलिसिया व्यवस्था मेरे खबर लिखे जाने तक बालिकाओं को पूरी व्यवस्था और सम्मान के साथ मौका मुआयना कराने के नाम पर लेकर गई और शायद घर भी छोड़ चुकी होगी। इतना कुछ होने के बाद भी घटना को ठंडे बस्ते में समेटने की पूरी तैयारी है। शायद देश में गरीब जो सड़क किनारे सोते हैं उन पर जब सलमान खान गाड़ी चढ़ाकर उनको हमेशा के लिए सुला सकते हैं, तो शायद इन नोटों की गर्मी वाली शहजादियों ने भी उस छोटी सी नौकरी का सपना लेकर आए युवा को भी सुला दिया और मुक्ति दे दी। इसलिए शायद उनके चेहरे पर भी सल्लू भाईजान की तरह कोई मुक्ति बोध नहीं दिखा। शायद इनकी पैदाइश ही मुक्तिदाता बनने के लिए हुई है। गाड़ी चलाने वाली इस होनहार का नाम नेहा और सोनी है और गाड़ी सोनी प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड है। सोनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।